सीट में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। ये गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। हाँ भैया, कभी कभी गलती से मिस्टेक तो हम लोग से भी हो जाता है। आजकल सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन कोई फ्रेंड हमको वीडियो या कोई फ़ोटो सेंड करता है तो गलती से हम लोग से वो डिलीट हो जाता है, तो उसको हम कैसे रिकवर या वापस कैसे लाएं, तो इस वीडियो में हम आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए व्हाट्सएप में जाके हम एक वीडियो डिलीट करके उसके बाद उसको वापस ला के आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए व्हाट्सएप में आ गए, ये वीडियो हम ओपन कर लेते हैं। देखिए वीडियो चल रहा है और एक फ़ोटो भी देख लेते हैं हम, फ़ोटो को भी वापस ला सकते हैं आप। ये फ़ोटो देखिए, ये दोनों को हम डिलीट करेंगे। अभी हम वापस आ गए, गैलरी में चले जाते हैं, ये दोनों वीडियो को हम डिलीट करके आपके सामने हम डिलीट करेंगे। ये इमेज है, इन दोनों को हम सेलेक्ट करके दोनों को एक साथ डिलीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों वीडियो और इमेज डिलीट हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं गैलरी में, देखिए वो दोनों इमेज और वीडियो नहीं दिख रहा आपको। तो चलिए इसको हम वापस कैसे लाएंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे हम रामफस्टर में जाएंगे, उसको क्लिक कर देंगे। ओपन करने के बाद देखिए वो दोनों वीडियो, एक वीडियो और ये इमेज जो था यहाँ पे आ गया है। अब इसको यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर में जैसे क्लिक करेंगे वो फिर वापस गैलरी में आ जाएगा। इमेज को भी कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट नहीं हमको करना है, इसको हम रजिस्टर करना है। रजिस्टर में क्लिक कर देना है, देखिए ये दोनों रजिस्टर हो चुका है। तो वापस आके देखते हैं ये रजिस्टर हुआ कि नहीं। ये देखिए, ये दोनों इमेज और एक फ़ोटो गैलरी में वापस आ चुका है। दोस्तों आप भी ऐसे ही वापस ला सकते हैं, अगर व्हाट्सएप से आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या फ़ोटो डिलीट हो चुका है तो इससे वापस ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए ये सब सेटिंग कैसे किए, आप कैसे वापस ला सकते हैं, ये सब आप जान लीजिए। दोस्तों कोई भी वीडियो या इमेज डिलीट होने से पहले एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। दोस्तों उस एप्लीकेशन का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को कैसे हमको यूज करना है उसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं हम। शो मी हाउ में क्लिक करना है, उसके बाद इस एरो में क्लिक कर देंगे, एक बार और क्लिक करना है, उसके बाद राइट के निशान में क्लिक कर देंगे तो हमारा ये एप्लीकेशन काम करने लगेगा। तो चलिए इस के बारे में हम जान लेते हैं अच्छी तरह से, इसका सेटिंग क्या है। ये थ्री लाइन में क्लिक कर देना है और यहाँ से हमको पूरा सेटिंग इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। इस फर्स्ट वाले इसमें क्लिक करना है, रिसाइकल बिन सेटिंग। यहाँ पे दोस्तों सारे में जैसे इमेज वीडियो ऑडियो पूरा ऑन है, इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी डिलीट हुआ तो इसको वापस ला सकते हैं। चलिए बैक चले जाते हैं। फिर इस एप्लीकेशन के दूसरे सेटिंग के बारे में जान लेते हैं, ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन को हमको ऑफ ही रखना है, अगर एक वीक कर देंगे तो एक वीक का ही डिलीट किया हुआ कोई भी फोटो या इमेज इसमें रहेगा, इसलिए इसमें हमको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे ऑफ ही रखना है। तो चलिए इसे हम ऑफ ही रखते हैं, ये एप्लीकेशन आप पूरी तरह से काम करने लगेगा। दोस्तों है ना कमाल का एप्लीकेशन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है इस एप्लीकेशन से उसको भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।